बोल रहा है, कोई भी आदमी यदि कुछ बोल रहा है तो वो बोलने में खुशी है या गुस्सा है या उदासी है, यानी इनके भाव को देखना होता है पहले। जब होता है तभी आप इस बात बना सकते हैं। ड्राइंग में जैसे कोई भी चेहरा बनाते हैं, कार्टून जो देखता है उसका नाम नहीं लिखा हुआ होता है किसका है, लेकिन आप पहचान जाते हैं कि किस आदमी का कार्टून है। वो इसलिए कि पूरी तरीके से हर चेहरे में कुछ अलग होता है जिससे उसकी पहचान होती है। ठीक है, आपका क्या नाम है? आप ही तो बना दे कार्टून। युवराज अगर अपने आप को कार्टून के रूप में देखेंगे तो वो कैसे दिखेंगे? युवराज जरा सा युवराज ऐसे दिखने लगता है कि देखना कैसे बन रहा है। युवराज आप अपने आप को देख रहे हैं वहाँ? युवराज गुस्सा मत होना फिर बोलना नहीं। देखिए युवराज बन गए। अरे वाह, ये हो गया युवराज हो गए। तो बहुत सोच रहे हैं वो कुछ। ड्राइंग का जो मामला है वो मतलब कार्टून है ना, कि बढ़िया बनता है तो सिर्फ एक्सप्रेशन की वजह से। यदि मान लीजिए कि आइडिया अच्छा हो और लाइन कमजोर भी हो तभी चलता है। और ड्राइंग का कुछ ऐसा नहीं है, इसमें माना जाता है कि 60% जो है वो आइडिया रहना चाहिए और 40% स्केच का माना जाता है। लेकिन यदि स्केच आपका अच्छा है तो और अच्छी बात है। यही कुल मिला जुलाकर कार्टून ऐसे ही बनाते हैं। यानी कि आपके आइडियाज पहले आए और प्यारे प्यारे आइडियाज आए और उसके ऊपर आप जो ड्रॉ करे तो वो एक्सप्रेशन देखे, है ना? तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है हमें। ये तो भाई मन करता है, जो ड्राइंग नहीं बनाते उनको भी मन करने लग गया होगा कि अब वो कुछ ड्रॉ कर दे, है ना? तो फिर कभी कभी हम कुछ बड़े प्यारे से छोटे छोटे जानवरों के हम चित्र देखते हैं, तो हम वो भी देखना चाहेंगे कि कैसे एक कुत्ता जब दिखता है कार्टून में तो वो कैसे दिखता है, या फिर कौवा, उसका कुछ बहुत ही खास सा रियलिस्टिक बनाते हैं। हाँ हाँ, कार्टून में सच में किसी भी एनिमल्स का जो मामला होता है जी वो भी कार्टून वो बड़ा इंटरेस्टिंग दिखता है जी, वो जरूर हम देखना चाहेंगे। जब ये बनते रहता है तब तक पता नहीं चलता है कि क्या बन रहा है, लेकिन बनने के बाद बहुत मजेदार दिखता है वो। पतला दुबला सा कोई कुत्ता हो, क्या बन रहा है? एलिफेंट। अरे वाह, क्या बात है। और सबसे मजा होता है कि जब ये आपस में बात करता है कोई भी एक लोग तो उसमें गर्म मजा आता है। एक बार किसी हमारे अखबार के बड़े संपादक ने हमसे पूछा था कि दो डॉग का कार्टून था, दोनों आपस में कुछ बोल रहा था। क्योंकि यार कभी देखे लोग किसी कुत्ते से बात करते हुए आपस में की तरह बोले, बहुत अजीब लगा उस समय। लेकिन फिर जवाब देना पड़ा क्योंकि यदि यही नहीं होता तो टॉम एंड जेरी आज होता ही नहीं। वही टॉम एंड जेरी इतना मेहनत उसमें लगा है, इतना मेहनत, कई साल लग गए, 20,000 आदमी मिलकर बनाता है और वो बनता है। देखने में आप लोगों को लगता है कि मतलब एक चीज ऐसा रन कर रहा है या बोल रहा है, उसका एक एक ड्रॉइंग जो होता है वो एक एक जो एक सेकंड घड़ी का जो देखते हैं उसमें 24 कार्टून बनाना होता है। यानी ऐसे बनता है, दिखना आसान होता है पर वो बहुत मुश्किल होता है बनना। मान लीजिए कि ये एक चेहरा बनाया, ठीक है, एक चेहरा से एक बनाते हैं तो कैसे बनता है वो। यही यदि इसको चलाना हो कंप्यूटर पर जो देखते हैं कि वो चलता हुआ कार्टून बात करता है जो सबसे ज्यादा आप लोग देखते हैं, उसको एक ऐसा बनता है। एक बार यहां से यहां तक यदि वो हाथ उठाकर बात करता है तो उसमें देखिए एक ये हाथ होता है, फिर दूसरा ऐसे बनाना पड़ता है, तीसरा ऐसे ऐसे, फिर ये, फिर ये, फिर ये। समझना ही बात, एक ड्राइंग बनेगा जिसमें सिर्फ ये वाला इसका हाथ होगा, फिर दूसरा ड्राइंग बनेगा जिसमें ये वाला होगा, फिर तीसरा बनेगा जिसमें ये होगा। ये सब चेंज सिर्फ नहीं करता है, इसका आईज भी चेंज करता है। जैसे इस ये यहाँ है, दूसरे
दूसरे वाले में ये यहाँ जाएगा, फिर तीसरे वाले में यहाँ जाएगा, तब ये लगता है कि मूव कर रहा है। बिल्कुल, बहुत सारे मूवमेंट्स मिला करके और फिर हम कार्टून जो है वो कंप्लीट होता है। इसलिए ये करियर के दृष्टि से बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि एनिमेशन का काम, कार्टून का काम पहले हम लोगों के समय में हम लोग कॉमिक्स पढ़ते थे, अब ये कार्टून आप लोग जो देख रहे हैं चैनल के, उससे कमी नहीं होने वाली है। और यही वजह है कि एक कार्टूनिस्ट वहां सिर्फ उंगली बनाता है, दूसरा बनाता है ये, तीसरा हेड बनाता है, चौथा ये बनाता है, क्योंकि इतना ज्यादा बनाना उसमें, और फिर सबको मिलाकर वही कार्टून जो आप लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, वो चलता हुआ जो दिखता है, वो सिर्फ इसी वजह से होता है। यानी कि जानने के लिए और सीखने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हमारा वक्त क्या हो जाता है, नन्हा संसार का वो थोड़ा कम पड़ जाता है ना, लेकिन इतना मजेदार है ये सब कुछ कि हमारा मन करता है कि बस हम इसे सीखते जाए और बहुत अच्छे अच्छे देखते जाए। तो आज इतना अच्छा, आप लोगों को कैसा लगा ये सब देख के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। तो मुझे भी बहुत मजा आया, और इतने अच्छे अच्छे कार्टून्स बनाने और उनके बारे में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों सबको धन्यवाद, थैंक यू। आप लोगों को मजा आया, आप भी थैंक्स कहना चाहेंगे अंकल को? बिल्कुल, तो कहें थैंक यू अंकल, वेरी नाइस। तो इसी के साथ हमारा ये अंक आ जाता है समाप्ति की ओर, और यहाँ पर हम खत्म करेंगे इस अंक को, लेकिन अपने नन्हे दोस्तों से ये कहना चाहूंगी कि अगली बार फिर मुलाकात होगी आप सब से कुछ नया, कुछ अनोखा लेकर। तब तक खुश रहिए और खुशियां बांटिए, मुलाकात होगी अगले अंक में। बाय।